हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा और आज हम बात करेंगे लॉन्ग अवेटेड राग पहाड़ी की। बहुत सारे फ्रेंड्स ने बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी हैं कि अभी पहाड़ी करने की बहुत इच्छा है सबकी और पहाड़ी के लिए बहुत सारी फरमाइशें आई थी। तो आज हम सबसे पहले करेंगे राग पहाड़ी का एक मॉर्निंग ट्यून, इसके बाद हम पहाड़ी का आलाप भी करेंगे और इसके बाद हम पहाड़ी की बहुत सारी अलग अलग बंदिशें भी करेंगे। मैं आपको 5-6 बंदिशें दूंगा पहाड़ी राग में, दादरा ताल में, कैरवा ताल में, बिचंदी ताल में, अलग अलग। आज हम बात करेंगे राग पहाड़ी की मॉर्निंग ट्यून। मॉर्निंग ट्यून तो वैसे कई रागों में बजाई जाती है और अच्छी ही लगती है, लेकिन पहाड़ी में सबसे ज़्यादा बजाई जाती है और पहाड़ी में मॉर्निंग ट्यून बहुत अच्छी लगती है। और पहाड़ी की मॉर्निंग ट्यून में इतने वाइब्रेशन, खटका, मुर्की सब कुछ आते हैं कि लोगों को देखकर, सुनकर या नोटेशन पढ़कर बजाना नहीं आता है। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने फरमाइश किया था कि इसके लिए एक ट्यूटोरियल दे दिया जाए, तो आज मैं लेके आया हूँ राग पहाड़ी की मॉर्निंग ट्यून का एक ट्यूटोरियल। तो पहले ये मॉर्निंग ट्यून एक बार मैं बजा ही लेता हूँ, वो आप सुनिए, उसके बाद मैं उसकी एक एक लाइन नोटेशन के साथ और फिंगर की मूवमेंट के साथ दिखाता हूँ उसको कैसे गाते हैं, बजाते हैं। तो सुनिए पहले मॉर्निंग ट्यून। अब इसी मॉर्निंग ट्यून को इसी स्केल यानी काली पांच ए शार्प में छोटी फ्लूट में बजा कर सुन लेते हैं, स्मॉल फ्लूट। तो ये थी मॉर्निंग ट्यून राग पहाड़ी में। अभी हम इसकी एक एक लाइन नोटेशन के साथ, इसकी बारीकाइयों के साथ समझ कर देखें। उससे पहले हम राग पहाड़ी का पूरा परिचय देख लेते हैं। राग पहाड़ी की लाक्षणिकता क्या है, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, ये सारी बातें पहले देख लें, समझ लें, ताकि फिर उसके बाद पहाड़ी राग बजाना ईजी हो सके। तो पहाड़ी राग का उद्भव कश्मीर की हिमालय की वादियों की एक फोक ट्यून से उद्भव हुआ ऐसा माना जाता है। कश्मीर में एक डोंगरी फोक म्यूजिक होता है, या फिर कुल्लू मनाली की हिमालय की वादियों में भी फोक म्यूजिक चलता है। उस फोक म्यूजिक के आधार पर राग पहाड़ी की रचना हुई है ऐसा माना जाता है। राग पहाड़ी क्योंकि प्योर क्लासिकल राग नहीं है, इसके लिए इसका कोई इक्विवेलेंट राग
कर्नाटकी म्यूजिक में नहीं है, और क्योंकि ये प्योर क्लासिकल राग नहीं है, इसके लिए इस राग में बड़ा ख्याल बिल्कुल देखने को ही नहीं मिलते हैं, और छोटा ख्याल कभी कभी कभार कहीं कहीं देखने को मिलता है, वैसे छोटा ख्याल भी नहीं होता है। इस राग में ज़्यादातर ठुमरी, भजन, इंस्ट्रूमेंटल धुन या फिर फोक ट्यून, फोक संगीत ही गाया बजाया जाता है। इस राग की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है ऐसा माना जाता है। बिलावल थाट को साउथ इंडिया में कर्नाटक के म्यूजिक में धीर शंकरा वर्णम थाट कहते हैं, मतलब यह हुआ कि बिलावल थाट का होने से इस राग में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। लेकिन इस राग की एक और खासियत यह भी है कि इस राग में सारे 12 के 12 स्वर लगते हैं। इसमें कोमल रे, कोमल ग, तीव्र और शुद्ध मध्यम, कोमल ध और शुद्ध और कोमल निषाद सारे स्वर लगते हैं। लेकिन क्योंकि इसका जो बेस है वो भूपालिका है, यानी सारे ग पदसा, ये शुद्ध स्वर लगते हैं इसमें, इसके लिए इसको बिलावल थाट से उत्पन्न हुआ ऐसा माना जाता है। लेकिन भूपाली के स्वरों के साथ साथ इसमें और भी कई सारे स्वर लगते हैं, बहुत कुशलतापूर्वक लगाया जाता है ताकि ये सही में पहाड़ी जैसा ही लगे और कोई राग का मिश्रण ना हो जाए। इस राग की जाति जिसमें विद्वानों में मतभेद है, कुछ लोग इसको ओडो जाति का राग मानते हैं, ओडो ओडो यानी आरोह में भी सारे ग पदसा, अवरोह में भी सारे ग पदसा, और विवादी स्वर के तौर पे इसके अंदर और कोई भी स्वर लिया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इस राग में आरोह में भूपाली के स्वर है सारे ग पदसा, और अवरोह में सारे स्वर हैं सानी दप मगर ऐसा, यानी इसकी जाति ओडो संपूर्ण भी कुछ लोग मानते हैं। इस राग का गाने का समय वैसे तो रात्रि का प्रथम प्रहर है, यानी शाम को 6 से 9 बजे तक, लेकिन इस राग को गाना बजाना कभी भी अच्छा लग सकता है, इसलिए इस राग को 24 घंटे में कभी भी गा सकते हैं, कभी भी बजा सकते हैं। इस राग में वादी और संवादी सा और प है, लेकिन कुछ लोग इसमें वादी संवादी प और सा को भी मानते हैं, यानी वादी प संवादी सा ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं, लेकिन सा प या प सा ये वादी समाधि मानते हैं। लेकिन साथ साथ इस राग में मंद्र सप्तक के धैवत का बहुत महत्व है, यानी इसमें मंद्र सप्तक के ध पर ज़्यादा ठहराव देने से ये राग का एक पहचान बनती है, इस राग का उठाव आता है। इस राग का जो आरोह अवरोह है वो नीचे मंद्र सप्तक के पंचम से शुरू करते हैं, पद सारे ग पद सा, और अवरोह में सारे स्वर लेते हैं सानी दप मगर ऐसा। देखिए एक बार आरोह अवरोह, ये राग का चलन भी वैसे मंद्र और मध्य सप्तक में ज्यादा चलता है, बहुत ऊपर नहीं जाता है, लेकिन मंद्र मध्य सप्तक में इस राग बहुत अच्छी तरह से अपना असर दिखा सकता है। इस राग की पकड़ देख लेते हैं, फिर दूसरी एक पकड़ भी इसको इस तरह से लेते हैं,
इसराक को पीलू की तरह, पीलू में भी कभी कभी इसराक पीलू को मध्यम से गाते हैं, यानी मध्यम को सा मान कर गाते हैं। इस राग को भी म से सा मान कर गाने या बजाने का एक प्रचलन है, क्योंकि ये राग मंद्रा और मध्य सप्तक में ज़्यादा चलता है। तो मंद्रा में आप सा ध प बजा सकते हैं, प से नीचे का नहीं बजा सकते हैं। इसीलिए आप अगर ऊपर के मध्यम से लेंगे तो फिर आप ये मध्यम को सा मानेंगे तो सा ध प, फिर ये ग रे तक जा सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप म को सा मानो और फिर उसको बजाओ तो आप बहुत नीचे तक भी मंद्र में और मंद्र में भी जा सकते हैं। अब देखिए, म को सा मानते हैं और फिर पहाड़ी बजाते हैं तो क्या स्वर बजते हैं। पहाड़ी का आरोह है सारे ग बदसा। अब म से सा लेके फिर सारे ग बदसा बजाते हैं तो क्या बजता है। म प ध सारे ग, ओरिजिनली जैसे सारे म बदसा सा ध प मरे सा, ये दुर्गा के स्वर हैं। तो ये राग में दुर्गा की एक झलक दिखती है अगर हम म से इसको बजाएं तो। तो देखिए, इस राग में कभी कभी किसी को ये एक डाउट हो सकता है कि भूपाली राग में बेज किसको माने। वैसे तो सारे स्वर बजाए जाते हैं लेकिन बेज किसको माने, भूपाली को माने या दुर्गा को माने। तो ये कन्फ्यूजन है, मैं दूर किया देता हूँ कि जब आप सा से पहाड़ी राग बजाएं तो इसमें भूपाली का बेज रहेगा, सारे ग पद सा ध प गरे सा। लेकिन जब आप इसको म से बजाते हैं, म को सा मानते हुए फिर आगे बजाते हैं तो ये दुर्गा का बेज लगेगा, आपको बेज लगेगा दुर्गा जैसे स्वर बज रहे हैं। अब जैसे अगर सा से बजाएं या म से बजाएं तो दोनों जगह पे आपको मेन स्वर के अलावा बाकी सारे स्वर का यूज होता है, इसमें 12 के 12 स्वर का यूज होता है। तो इस राग में कभी कभी एक राजस्थानी राग है मांड, उसकी एक झलक दिखने को मिलती है। तो ये राग मांड से भी नज़दीक का राग है। और अगर आप म से इसको सा मानते हुए बजाएं, भूपाल दुर्गा की जब झलक दिखती है तो ये राग झिंझोटी के बहुत नज़दीक लगता है। अब झिंझोटी के आरोह अवरोह क्या है, सारे म पद सा दुर्गा जैसा आरोह है और अवरोह में कॉमन मी और ग भी ऐड कर देते हैं। ध सारे म ग सारे नी ध सारे म प ध नी ध प पद सारे नी ध पद म ग सारे नी ध सा। तो ये राग झिंझोटी है। तो आप अगर म से सा मानते हुए अगर पहाड़ी बजाएंगे तो थोड़ी थोड़ी आपको झिंझोटी की भी झलक देखने को मिलेगी। तो ये राग में अगर आप सा से बजाते हैं तो भूपाली का एक बेज रहेगा सारे ग पदसा का, और अगर आप म को सा मानते हुए बजाएंगे तो एक दुर्गा का बेज रहेगा और सारे म पदसा ऐसा आपको बार बार सुनाई देगा। तो ये एक इस राग की खासियत है, ये आपको एक समझ के फिर पहाड़ी बजाना चाहिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस राग की जो मेन खासियत है, जो मेन लक्षण है, एक बार फिर से मैं आपके सामने समअप कर देता हूँ। ये राग है एक लाइट संगीत, सुगम संगीत गाने बजाने का ये राग है। इसके लिए इसके अंदर ठुमरी भजन धुन लोक संगीत ही अच्छे लगते हैं। प्योर शास्त्रीय संगीत इस राग में ज़्यादातर नहीं गाया बजाया जाता है। वैसे बड़ा ख्याल तो देखने को ही नहीं मिलता है, कुछ लोग चिंता में कभी कभी छोटा ख्याल बना लेते हैं लेकिन ज़्यादातर ठुमरियाँ रहती हैं। इस राग में मंद्र दैवत का बहुत महत्व है और मंद्र ध बार बार दिखाते हैं। वैसे उसके वादी संवादी सा प है या फिर कोई लोग प सा भी मानते हैं। ये नॉर्थ इंडियन राग है, यानी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक में ही इसका प्रचलन है। इसका इक्विवेलेंट राग कर्नाटक म्यूजिक में साउथ इंडिया में नहीं है। ये राग पहाड़ी, जिसमें ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंटल धुन अच्छी लगती है, वोकल से वोकल भी कई लोगों ने गाया है, अच्छा ही ठुमरी अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। जब इंस्ट्रूमेंटल धुन बजाते हैं दादरा केरवा दीपचंदी में,
बहुत अच्छी लगती है, और खास करके इंस्ट्रूमेंट में भी जब फ्लूट पे बजाते हैं तो इसका सौंदर्य और खिल उठता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे फ्लूट है ये पहाड़ी राग के लिए ही बनी है, और फ्लूट का अस्तित्व ही पहाड़ी राग के लिए है। और इसी तरह अगर पहाड़ी राग भी कहीं और इंस्ट्रूमेंट में बजाना है तो सबसे ज़्यादा फ्लूट पे ही अच्छा लगेगा। तो पहाड़ी राग भी मानो ऐसा लगता है कि फ्लूट के लिए ही बना है। दूसरी एक खास खासियत जो पहाड़ी राग की है, ये राग बहुत प्लीजिंग है, प्लेजेंट और एकदम हैप्पीनेस के लिए है। ये पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ मूड और मेडिटेशन, रिलैक्सेशन और एटर्नल यूनिटी के लिए ये राग है। इस राग को सुनते ही आपको एकदम मन को शांति मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है और एक मेडिटेशन का एहसास होता है। तो ये राग बहुत करने जैसा राग है, समझने जैसा राग है, और बांसुरी जो लोग बजाते हैं उसको ये सीखना ही चाहिए। ऐसा बढ़िया राग बांसुरी के लिए है। तो चलिए अभी देखते हैं इसकी एक एक लाइन, जो मॉर्निंग ट्यून अभी अभी हमने बजाई उसकी एक एक लाइन नोटेशन के साथ कैसे गाते बजाते हैं समझते हैं। पहली लाइन, ये पहली लाइन है सा रे ग प द सा, बजता कैसे है एक्चुअल में देखिए। तो यहाँ पे बहुत झटका है रे वाली फिंगर को, सा रे ग प द सा। अब एक्चुअल नोट क्या बजता है ये देखिए, रेगा सा रेगा, लेकिन इतनी जल्दी बजता है कि आपको कोई नोट क्लियरली सुनाई नहीं। सा रेगा रेगा, ग के बाद तुरंत प, फिर ध को भी वाइब्रेशन है। रेनिसा का झटका है, फिर बहुत स्लोली लेना है पूरी लाइन। सा को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, पहला सा, फिर स्टार्ट कीजिए। कभी नीचे के प से भी बजाते हैं वो, दूसरे जब आलाप सीखेंगे तब उसमें भी होता होगा, नीचे वाले प से ही शुरू करते हैं तो पूरा एक रन होता है, रन, पहाड़ी राग का रन बोलते हैं इसको, बहुत अच्छा लगता है। वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगा। अभी ये जो ट्यून अभी अभी बजाई है मैंने मॉर्निंग ट्यून, उसी का नोटेशन कर रहे हैं। तो सा से शुरू करते हैं, सा, फिर स्टार्ट कीजिए। Oh,
नेक्स्ट लाइन फिर से जैसे पहले पद सा लिया था उसी तरह इस बार भी पद सा लेना है, और जब सबसे पहले जो सारे ग लिया था उसी तरह से सारे ग भी लेना है ऊपर का, और ऊपर के ग पे होल्ड करना है और ग के ऊपर लास्ट में वाइब्रेशन देना है, एक एक झटका देना है खटका, फिर रेसा लेके सा पे आना है। देखिए तो यहाँ जो झटका ऊपर का है वो म रे ग का है, जो पहले रेनी सा वाला था वो यहाँ पे म रे ग। अब आगे का तीसरा लाइन स्पर्श रहेगा। पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, आप कॉन्टेक्ट करना मेरा, मैं आपको दे दूंगा। तो बहुत सारे फिल्मी गाने इसमें आपको सुनने को मिलेंगे, एक मैं अभी आपको सुनाई देता हूँ।
फिल्म सॉन्ग कौन सा वाला गीत था ये ढूंढने का आपका काम है, आप ढूंढ लेना कौन सा गीत था। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया मीठा गीत था ये। गीत भी आप 8-10 बार ओरिजिनल सॉन्ग सुन लीजिए, इसके बाद इसको बजाने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा और बजाने जैसा ये गीत है। तो हर एक एपिसोड में, जब पहाड़ी के हर एक एपिसोड में मैं एक एक फिल्म सॉन्ग भी आपको सुनाऊंगा, आप उसकी भी कॉपी करके सीखने की कोशिश करना। पहाड़ी में फिल्म संगीतकारों ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स दिए हैं। फ्लूट में ज़रूर बजाना चाहिए, क्योंकि फ्लूट ही पहाड़ी के लिए बनी है और पहाड़ी भी फ्लूट के लिए ही बना है। तो आशा करता हूँ ये मॉर्निंग ट्यून का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। मॉर्निंग ट्यून के साथ साथ मैंने पहाड़ी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है, ये भी समझनी ज़रूरी है। इसके आरोह अवरोह पकड़ वगैरह, इसके जो मेन फ्रेजेस है, ये सारे मॉर्निंग ट्यून में आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसके थोड़े और आलाप भी लेंगे, और भी इसकी बहुत सारी दादरा कहरवा में धुन, क्लासिकल सेमी क्लासिकल धुन और ठुमरी भी लेंगे, शब्दों के साथ वाली ठुमरी भी लेंगे, ताकि आपको सुन के गाने बजाने में सही रहे। आशा करता हूँ ये पहाड़ी राग आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे बहुत देखा है, काफ़ी लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, और काफ़ी लोग इसको बहुत दूर दूर बैठकर भी सीख रहे हैं। ये सब देख के सुन के अच्छा लग रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।